वो ट्रेन जो किसी तैयारी से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कर सकेगी। कनाडा की एक कंपनी ने ऐसी ट्रेन मुतारिफ कराने का ऐलान किया है जो 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखती होगी। ट्रांसपोर्ट नामी कंपनी ने मंसूबे का ऐलान करते हुए बताया कि ये दर हकीकत तैयारे और ट्रेन का हाइब्रिड मॉडल है। इसे फ्लुक्स जेट का नाम दिया गया है। ये काफ़ी हद तक इलेवन मस्क के ऐलान करदा कॉन्सेप्ट हाइपर लूप से मिलता जुलता मनसूबा है। ये ट्रेन एक ट्यूब नुमा ट्रैक पर बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकेगी और इस रफ्तार के हुसूल के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ट्यूब को ट्रांसपोर्ट लाइन का नाम दिया जाएगा जबकि अहम शहरों और मकामात पर स्टेशन तामीर किए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक इस मंसूबे के पहले मरहले पर $18 अरब खर्च हो सकते हैं जिसके मुकम्मल होने पर कनाडा के दो शहरों कैलगरी और एडमोंटन के दरमियान इसे चलाया जाएगा। दोनों शहरों के दरमियान 300 किलोमीटर का फासला है। कंपनी का तो दावा है कि यह ट्रेन किसी तैयारे से भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर सकेगी जबकि इसकी रफ्तार किसी हाई स्पीड ट्रेन से 3 गुना ज़्यादा होगी। कंपनी का कहना है कि मंसूबे के पहले मरहले के आगाज 2023 के आखिर तक हो सकता है जबकि इसे 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर काम करेगी और कंपनी का कहना है कि माहौल दोस्त होने के साथ साथ इस नए निज़ाम से सड़कों पर ट्रैफिक में भी कमी आएगी। कंपनी का ये भी दावा है कि इस ट्रेन का सफ़र किसी तैयारे के मुकाबले में 44% सस्ता होगा।